गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका स्वतंत्र प्राइवेट आईटी के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन, मेरा आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक ड्राइंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक से हमको क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। कौन से एंगल में? तो थर्ड एंगल में। हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि थर्ड एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दो सतहों का निर्माण करना पड़ता है, जिसको हम लोग HP और VP के नाम से जानते हैं, मतलब वर्टिकल प्लान और हॉरिजॉन्टल प्लान। अब वर्टिकल प्लान क्या होता है? देखिए, वर्टिकल प्लान होता है ऊपर से नीचे की ओर जो प्लान आता है, जो सतह आता है, या तो नीचे से ऊपर की ओर जो सतह जाता है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लान बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल प्लान किसको बोलते हैं? जो बाएं से दाएं की ओर या दाएं से बाएं की ओर जो सतह जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल प्लान। तो दो सतहों का हम लोग निर्माण कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इस पे एक निश्चित गैप छोड़ते हैं, जो 5 mm का हम छोड़ते हैं। देखिए इस प्रकार से 5-5 mm का क्या करेंगे, बीच में एक गैप छोड़ेंगे। बिल्कुल थिन लाइन में डार्क नहीं करना है आपको, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल थिन लाइन में खींचना है। इस तरह से 5-5 mm का क्या करना है, गैप छोड़ना है। बहुत ही ईजी है, देखिए इस प्रकार से हम क्या किए, इसको 5-5 mm का गैप छोड़ दिए। अब गैप छोड़ने के बाद आपको क्या करना होगा, ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाना होगा। और ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको टोटल डायमेंशन ज्ञात करना होगा। तो देखिए साइड जो है वो कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। एलिवेशन जो है वो 52 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। और हाइट कितना है, 40 है। तो हाइट कितना है आपका, 40 है। और साइड व्यू का हम लोग ब्रेथ मानते हैं। डायमेंशन कितना है, 50। और एलिवेशन को हम लोग लेंथ मानते हैं। वाह, तो अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो जो व्यू जिधर दिखेगी वो व्यू क्या होगा, उधर ही बनेगा। तो एलिवेशन किधर दिख रहा है आपको, लेफ्ट में दिख रहा है, साइड किधर दिख रहा है, राइट में दिख रहा है, और टॉप आपका ऊपर में है। तो लेफ्ट में क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा, मतलब लेफ्ट में यहां पर क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। इसका डायमेंशन कितना है, एलिवेशन का डायमेंशन देखिए 52 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर से यहां से यहां तक क्या करेंगे, 52 माप लेंगे। और मापने के बाद जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को बिल्कुल थिन लाइन में वर्टिकल लाइन खींच देना है, बिल्कुल 90 डिग्री में। इस तरह से बिल्कुल थिन लाइन होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, इस तरह से। फिर आपको आना है साइड पर, साइड देखिए यहां पर बनेगा आपका, क्योंकि राइट साइड में है। कितना डायमेंशन है, 50 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहां से 50 mm माप लेंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट को क्या करेंगे, बिल्कुल थिन लाइन में खींच देंगे 90 डिग्री पे, इस तरह से। तो ये दोनों तरफ का क्या होगा, वर्टिकल लाइन खींचा दिया। अब आना है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, हाइट देखना होगा आपको पहले, कि हाइट कितना है। हाइट दिया देखिए 40 दिया हुआ है। हम यहां से क्या करेंगे, 40 mm 40 mm माप लेंगे। 40 mm मापने के बाद इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, बिल्कुल 90 डिग्री में। थिन लाइन होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, जरा सा। इस तरह से क्या करेंगे इसको, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, साइड टॉप पे जाना है। ये टॉप है आपका, टॉप भी यहां पर बनेगा। तो टॉप पे जाते हैं आप, टॉप पे देखिए डायमेंशन क्या है, टॉप का हाइट क्या होगा। तो साइड का जितना भी डायमेंशन होता है, आप याद रखिएगा हमेशा कि साइड का जितना डायमेंशन होगा, टॉप का उतना ही ऊंचाई होगा। तो साइड का डायमेंशन देखिए 50 दिया हुआ, टॉप का ऊंचाई क्या होगा, 50 होगा। इस तरह से क्या करेंगे, इसको थिन लाइन खींच देंगे। तो यहां पे मेरा टॉप बन जाएगा, यहां फ्रंट बनेगा और यहां पर साइड व्यू बनेगा। देखिए ये एलिवेशन हो जाएगा आपका, यहां साइड व्यू हो जाएगा और एलिवेशन के ऊपर टॉप। अब आपको इसको बनाना कैसे है, देखिए एलिवेशन को हम सबसे पहले बनाएंगे। तो एलिवेशन से आपको क्या क्या दिख रहा है, मतलब फ्रंट व्यू से आपको क्या क्या दिख रहा है। तो टेपर है ये, जो अब क्या है, टेपर है। तो हम आप लोगों को पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि जिधर से टेपर रहता है, जैसे टॉप से दिया हुआ है, देखिए टेपर टॉप से किधर है, फ्रंट की ओर टॉप टेपर है। तो ये जो टेपर भाग है वो फ्रंट में भी होगा और
टॉप में भी होगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट का डायमेंशन ये वाला बनेगा, ये वाला भाग बनेगा। इस भाग को कैसे बनाएंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां से यहां 52 दिया है, उसको डार्क कर देंगे सबसे पहले। देखिए इसको 52 का किया हम डार्क कर दिए। अब देखिए ये हाइट लगेगा कितना, 40। इधर से भी क्या है, 40 है, पूरा डार्क कर देंगे उसको, 40 लेंगे। इधर से भी डार्क कर देना, ये हो गया। अब देखिए इधर राइट से क्या किया है, 17 mm और लेफ्ट से भी 17 mm लेके गया है। हम भी क्या करेंगे, 17 mm ले लेंगे, इधर से भी 17 mm, बीच में कितना 18 बच जाएगा, साइड में 17। और 17 को क्या करना है आपको, बिल्कुल डार्क कर देना है। और डार्क करने के बाद देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, नीचे की ओर कितना में 20 mm, जब ये 20 mm तो ये भी 20 mm होगा, तो नीचे की ओर क्या करेंगे हम 90 डिग्री में बिल्कुल 20 mm का लकीर खींचेंगे। ये 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये टेपर भाग को आपको दिखाना है, जो कटिंग किया हुआ है वो क्या होगा, इधर से नहीं दिखेगा, एलिवेशन से वो नहीं दिखेगा कटिंग हुआ भाग। तो उसके लिए डॉटेड होगा, क्या क्या करना होगा, डॉटेड देना होगा, हिडन लाइन देना होगा। कहां से कहां तक दीजिएगा, तो ये जो कॉर्नर है यहां से यहां तक दीजिएगा, और ये कॉर्नर यहां से यहां तक दीजिएगा, इस प्रकार से बिल्कुल फ्री हैंड स्केचिंग है इस तरह से। इस तरह से क्या करेंगे हम, इस पे हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू देखिए ये वाला दिखेगा, पूरा डार्क होगा, इसका मतलब ये पूरा डार्क हो जाएगा आपका, पूरा डार्क कर दीजिए पहले। पूरा डार्क होने के बाद ये पूरा डार्क हो गया। अब पूरा डार्क करने के बाद ये जो भाग है आपका कटिंग किया हुआ भाग, देखिए ये वाला जो भाग है, इसी तरह की ये जो भाग है इसी प्रकार से यहां पर भी बना हुआ है, जो आपको दिख नहीं रहा है, ये वाला भाग होगा ऐसे। तो ये भाग आपको दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हिडन लाइन का प्रयोग करना होगा। तो कहां से कहां कीजिएगा, इसका डायमेंशन कितना है, 20 mm है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले 20 mm लेंगे, मापेंगे, और 20 mm मापने के बाद ये जो यहां से यहां कोना तक जाएगा वो क्या होगा, हिडन लाइन हो जाएगा। हिडन लाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा साइड व्यू क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं टॉप व्यू में। यहां टॉप व्यू है आपका, टॉप व्यू क्या करना होगा, तो टॉप व्यू हमेशा क्या होता है, एलिवेशन के तरह ही बनता है, एलिवेशन के साइड से ही बनता है। ये भी क्या होगा, ऊपर से देखने के बाद पहले क्या करना है, पूरा डार्क कर देना, क्योंकि पूरा लकीर दिखेगा, ये वाला पूरा दिखेगा, ये भी दिखेगा पूरा आपका, ये वाला भाग जो है ये भी पूरा दिखेगा, और इधर से जब देखिएगा तो ये दोनों भाग दिखेगा आपको, पूरा क्लियरली नजर आएगा, और ये वाला भाग जब ऊपर में मिल जाएगा तो वो पूरा क्लियर नजर यहां से यहां तक पूरा क्लियर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये भी चारों तरफ पहले डार्क हो जाएगा, चारों तरफ हम इसको डार्क कर। अब डार्क करने के बाद ये जो क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये फ्री हैंड जो मिलाया हुआ है, उसको कैसे मिलाएंगे, तो उसको मिलाने के लिए यहां से यहां 17 लिया है, हम भी क्या करेंगे, यहां से यहां 17 लेंगे, और इधर से भी 17 लेंगे। 17 लेने के बाद क्या होगा, दोनों को देखिए यहां कोना कोना मिला दिया, यहां भी कोना मिला दिया, यहां भी कोना मिला दिया, ये देखिए बिल्कुल डार्क करके क्या करना है, कोना में मिला दिया। इस तरह से कोना में मिला देना, तो मिलाने के बाद क्या होगा, टॉप व्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीका से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल बना सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।